अज फतेहगढ़ चूड़िया के डेरा बाबा नानक रोड से स्थित पंडित मोहन लाल एस डी कॉलेज फॉर गर्ल्स विखे पत्रकारा वालों दौरा किया गया, जिस दरमियान पत्रकारा नूं जानकारी दिंदे हुए प्रिंसीपल मैडम प्रदीप कौर ने दसिया कि 30 अप्रैल तक पंजाब सरकार वालों जो स्कूल कॉलेज बंद करन संबंधी आदेश दिते गए हैं उन्होंने आदेशों के कॉलेज वालों पूरी पालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों नूं ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, इस संबंधी उन्होंने मापे पूरा सहयोग दे रहे हैं। सरंगल तो पलविंदर सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। असी गल करना चाहवांगे पंडित मोहन लाल एस डी कॉलेज के प्रिंसीपल मैडम प्रदीप कौर नाल। इन्हां कोल पुछना चाहवांगे कि कोरोना महामारी के दरम्यान तुहानूं की दिक्कतां पेश आईयां हन अते ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह बच्चों नूं करवा रहे हो। गल करना चाहवांगे प्रिंसीपल मैडम प्रदीप कौर जी नाल। दसो मैडम, कोरोना महामारी के दरम्यान बच्चों नूं किस तरह तुसीं स्टडी करा रहे हो, जां कोई पेरेंट्स तुहानू कोई कंपेल तो नहीं कर रहा कि साडे बच्चे इत्थे ऑफलाइन ही पढ़ाए जान, इस बारे जानकारी दो। साडे कॉलेज दे विच ऑनलाइन क्लासिज ही चल रही ने। ज्यों ही सरकार ने पिछले साल ऑनलाइन क्लासिज की शुरुआत की सी ते असी भी अपने पूरे कैंपस नू जिहड़ा है वाईफाई करवा लिया और पूरी सहूलत जिहड़ी है वह दित्ती गई अपने टीचर्स नू कि वह ऑनलाइन जिहड़ा है पढ़ा सकन। हाँ, शुरू दे विच क्योंकि साडा ये सिस्टम जिहड़ा है नवा सी साडे दे लई, साडे लई, साडे बच्चियां लई और साडे टीचर्स दे लई, साडे लई भी थोड़ी दिक्कत ते जरूर आई कि किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई होएगी, लेकिन हौली हौली असी बच्चियां नूं भी जिहड़ियां ने क्लासां लगा के समझाया कि तुसी किस तरह दे नाल तुहाडे ग्रुप बनणगे, किस तरह तुहानूं लिंक भेजा जाएगा और किस तरह तुसी उसनूं ऑन करना है। हौली हौली असी अपने बच्चियां नूं सिखाया, कुछ टीचर्स नूं भी सानूं सिखाना पिया क्योंकि जेडे ह्यूमैनिटीज़ के सन शायद वो टेक्नोलॉजी तो इन्ने ज़्यादा वाकफ नहीं सन। उन्हां दियां वी असी क्लासां एफ डी पीज़ जिहड़ियां ने लगाईआं, असी अपने विद्यार्थियों और टीचर्स नू पूरा जिहड़ा है वो इस बारे नॉलेज दित्ती। और अज की डेट दे विच मैं कहां तो मेरे विद्यार्थी, सारे कॉलेज के विद्यार्थी और सारे टीचर जिहड़े हन इस टेक्नोलॉजी तो भली भांत जाणू हन और वो बड़े अच्छे ढंग दे नाल ऑनलाइन क्लासिज जिहड़ियां ने वो लगा रहे। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कई जगह उत्ते पेरेंट्स अते कई स्कूल दे अध्यापक धरने मुजाहरे कर रहे हैं कि स्कूल ऑफलाइन होना चाहिए है, उस संबंधी तुसी की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहनी हाँ, ठीक है कि ऑनलाइन क्लासा साडा जिहड़ा है वो रूटीन नहीं सी, लेकिन देखो हालात दे नाल सानू समझौता जिहड़ा है करना पैंदा है और पेरेंट्स नू मैं यही रिक्वेस्ट करांगी कि ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐਸ ਡੀ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਗਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ।